भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमान नर्सिंग होम के सामने ततारपुर पेट्रोल टंकी के बगल में मार्बल दुकान के मालिक के ऊपर 3 नकाबपोशों ने गोली चलाई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें 3 युवक जिसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था उसमें से एक मोटरसाइकिल से उतरते ही लगातार 3 से 4 फायरिंग की। मार्बल दुकानदार मालिक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वहीं देखते ही देखते तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर ततारपुर थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। हालांकि दुकानदार मोहम्मद वजीउल्लाह उर्फ टिंकू ने इस घटना के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं पहले अपराध क्षेत्र में रहा हूं, मैंने पहले कई अपराध किए हैं, लेकिन अब मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अपराध के क्षेत्र से काफी दूर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अजय मिश्रा, काजू मियां, फाटक मियां को अपराध में सहायता नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आज दिन दहाड़े मेरे दुकान पर आकर मुझे गोली से मौत के घाट उतारना चाहा। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि मुझे और मेरे परिवार की मदद की जाए और मैं अपराध से दूर शांति का जीवन यापन करना चाहता हूं, इसमें प्रशासन भी मेरी मदद करे। सामने से जो है मोटरसाइकिल से 3 आदमी गुजरा है, एक आदमी उतर के उधर बस देखे उधर से आया जाए, यहाँ पर वो गोली चलाया जाए, हम उसको ताने देख लिए, उसके क्या भागे जाए। कितना फायर? पहला फायर जो किया था हम उठ के भागे जाए, अंदर घुस गया, लगातार 3 से 4 फायर किया जाए। उसको हम अंदर से टाइल्स फेंकने लगे ताकि लोग आगे तो मेरी तरफ लोग जमा हो जाए, उसके बाद जो है वो लोग भाग गया जाए। क्या कारण है? कारण यही है कि हम जो है अपराध से किनारा कर चुके हैं, अपराध दुनिया से, अब हमको उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और हम जो अपना अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपना अपने परिवार के साथ जो है। कौन कौन? देखिए वो जो गोली चलाया उसको पहचाने नहीं, वो मुंह बांधे हुए कपड़ा बांधे हुए था मुँह। ये वही अजय मिश्रा है, काजू मियाँ है, फाटक मियाँ है, ये सब लोग, ये लोग के द्वारा है। एक वो लोग को चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, साथ दें, सहयोग करें, हम ये सब चाहते नहीं। अब जो है जी हाँ छोड़ चुके हैं, हमें सबसे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। वो लोग चाहता है कि हमको सहयोग करे, साथ दे मेरा। देखिए ततारपुर वाली जो घटना हुई है, एक दुकान है मार्बल व्यवसायी की ततारपुर चौक के पास में, दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस की टीम वहाँ मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच चल रही है। जैसे हम लोग किसी नतीजे पहुँचेंगे आप लोग को भी सूचित करें। संदिग्ध मामला लग रहा है या नहीं? देखिए मैंने बोला कि विभिन्न बिंदुओं पर जाँच चल रही है कि गोली किस परिस्थिति में चली और क्यों चली, दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग जाँच कर रहे हैं, जैसे किसी नतीजे पहुँचेंगे हम लोग आपको बताएँ। भागलपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को मुंबई में कल देर रात दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इसको लेकर बिहार में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। भागलपुर में भाजपा ने बूढ़ानाथ मंदिर में बाबा बूढ़ानाथ का जलाभिषेक कर शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई भाजपा नेताओं ने उनके लिए प्रार्थना की। जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि वो जनप्रिय नेता है, कल अचानक उनके सीने में दर्द हुआ जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहनवाज हुसैन के साथ रहने वाले भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह ने बताया कि उनकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन वो आईसीयू में है, उनके लिए हर कोई दुआ और प्रार्थना कर रहा है। भागलपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री, वर्तमान विधान परिषद और हम सबों के दिलों में राज करने वाले ऐसे सैयद शाहनवाज हुसैन जी कल मुंबई प्रवास पर थे और कल अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, उसी क्रम में वो जा रहे थे, रास्ते में ही सीने में दर्द की शिकायत हुई और सुखद संयोग है कि मुंबई पहुँचने पर यह उनको परेशानी आई और तत्क्षण जो है लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जैसे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कल ही उनका जो है उपचार भी किया गया और स्टेंट लगाया गया है और कल से ही जैसे सूचना मिली है पूरे भागलपुर बिहार और देश के अंदर दुआओं का प्रार्थनाओं का दौर चल पड़ा है। कल भी और आज भी बाबा बृहदेश्वर नाथ इस महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से रखा गया और सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हमारे जनप्रिय नेता बिहार के औद्योगिक क्रांति के नायक शाहनवाज हुसैन जी को हार्ट अटैक आया था, इससे पूरे भागलपुर में कार्यकर्ताओं में शोक की लहर थी
सभी लोग दुखी थे। आज हम लोग पूरे भागलपुर जिला समेत पूरे बिहार में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक कहीं पर इबादत की जा रही है। सभी कार्यकर्ता मंदिर मस्जिद सभी जगह उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र वह स्वस्थ हो और हम लोगों के बीच आए। कैसी है अब अभी उनकी स्थिति में सुधार है, वो पहले से कुछ ठीक चल रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए देश में 28 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों को एकजुट किया, लेकिन कई दफा जदयू के नेता और मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताते रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ही देश में राष्ट्रीय पार्टी है, अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो राहुल गांधी ही उनके प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की क्षेत्रीय पार्टी है केवल बिहार में ही, ममता जी केवल बंगाल में है, सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है, इसलिए इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस की राहुल गांधी होंगे, अगर वो इस पद से समझौता करेंगे तभी कोई और बन सकता है। देश में एक कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी, और जब एनडीए गठबंधन बनेगा तो आदरणीय राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे, सोनिया गांधी जी ने भी सेक्रीफाइस किया मनमोहन सिंह जी के लिए, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कोई बन सकता है, लेकिन हम कांग्रेस के नाते मैं चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को एकजुट रखेंगे, उसको मजबूत करेंगे, विकास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी बिहार झारखंड के पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी देश में कौन कौन है? एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। अगर जब इंडिया की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर कोई रीजनल पार्टी जैसे कि नीतीश कुमार जी है बिहार में है, ममता जी बंगाल में है, स्टालिन है, बहुत लोग हैं, 28 पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी देश में कौन होगी? कांग्रेस होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर कांग्रेस के राहुल गांधी सेक्रीफाइस करेंगे किसी को बनाने के लिए, वो कर सकते हैं देश के हित में, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कांग्रेसी के नाते चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश को एकजुट रख के मजबूत करें, विकास करें, युवकों को रोजगार दे, महंगाई रोके, ये मैं चाहता हूँ। भागलपुर में पहला ऐसा कोई कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए होने जा रहा है जिसमें वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट से आम महिलाओं का सीधा संवाद होने जा रहा है, जहां सिर्फ महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाना है, जिसमें महिलाएं खुलकर व्यक्तिगत शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों के बारे में बात कर पाएंगी। इसका आयोजन मणिपाल फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर एवं लायंस क्लब भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 29 सितम्बर को खंजरपुर चौक स्थित होटल गैलेक्सी 16 में शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। इस फिजियोथेरेपी शिविर में पुणे से आने वाले वुमेन्स हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिका और डॉक्टर रीचा पहले विस्तृत रूप से व्याख्यान देंगी और उसके बाद महिलाएं अपनी समस्याओं को रख पाएंगी और उसकी फिजियोथेरेपी चिकित्सा द्वारा उपचार भी समझ पाएंगे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर प्रणव कुमार, लायंस सुमित जैन, लायंस अभिषेक डुकानिया, लायंस शिखा डुकानिया, लायंस अंबिका शिखर आदि उपस्थित रहे। तो लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम एंड भागलपुर और जो है मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग आगामी 29 यानी कि परसों 29 सितंबर को शुक्रवार को होटल गैलेक्सी में संध्या 4 बजे से 6 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और इसमें जो हेल्थ एक्सपर्ट आ रही हैं पुणे से डॉक्टर ऋषिका और डॉक्टर रीचा
है ना, ये भी महिलाएं ही हैं और महिलाओं के बारे में ही सिर्फ चर्चा करेंगे, जिसमें कि उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कमर दर्द, गर्दन दर्द, एड़ी दर्द, पैर हाथ में झुंझुनापन, फिर जैसे पैरों में सूजन होना, या फिर कई महिलाओं में ऐसा होता है कि जो जोर से छींकने या खांसने पर यूरिन या स्टूल लीक हो जाता है, या प्राइवेट ऑर्गन जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर की तरफ आने लगता है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं महिलाओं में, जैसे कि मासिक धर्म में देरी होना या मासिक धर्म बंद होने के बाद जो शारीरिक परेशानियाँ और या मानसिक परेशानियाँ आती हैं, इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। और इनमें जिनको भी अगर पर्सनली मिलना होगा डॉक्टर से पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, वो दिनांक 1 अक्टूबर को मणिपाल फिजियोथेरेपी में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उनसे फिर पर्सनली मिल सकती है। राजद सांसद प्रोफेसर मनोहर झा के ठाकुर वाले बयान पर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तो राजद के नेता उनके बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज झा ने क्या बयान दिया ये तो मैं नहीं जानता, कई बातें सिम्बोलिक फॉर्म में बोली जाती हैं, उन्होंने यह बातें कहीं भी नहीं कही या उसके मतलब क्या थे। मैंने भागलपुर में ही जगदेव जयंती में एक बयान दिया था, उस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश हुई है, मैं इस बात को जानता हूं कि लोग कैसे बात को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी जनता सकारात्मक है, नीतीश जी, लालू जी, गठबंधन के सभी नेता उत्साह के साथ लगे हुए हैं, इसमें कुछ लोगों के पसीने निकल रहे हैं, घबराहट में अनर्गल बयानबाजी भी हो रही है और बदले की भावना से कार्रवाई भी हो रही है जो अस्वाभाविक नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि संकल्प योजना के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी गलत म्यूटेशन है उसे ठीक कर दुरुस्त किया जाएगा और जिसका वास्तविक मालिकाना हक है उसे दिलाया जाएगा, साथ ही दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ उन्होंने कहा कि अगर समय रहते अपने जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता है तो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और आज के समय में जितना जमीन विवाद सामने आ रहा है शायद वो नहीं दिखेगा। इंडिया गठबंधन को लेके पूरी जनता सकारात्मक है और ये जनता की इच्छा के अनुसार गुलबंदी हो रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन में इफ और बट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सारे गठबंधन के लोग, सभी नेता, सभी दल इंथुजियाज्म के साथ लगे हुए हैं और उससे 2 कदम आगे जनता है, पसीने निकल रहे हैं लोगों के, तो घबराहट में बहुत मैंने अनर्गल बयानबाजी भी हो रही है और बहुत ही मतलब बदले की भावना से बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं जो अस्वाभाविक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों की है सत्ता में रहती और स्वाभाविक नहीं है, इसके मैं हमें कोई आश्चर्य नहीं होता इन बातों, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लंबे समय से कि शासन चलाने के प्रजातांत्रिक तरीके को छोड़कर बाकी सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार, G20 से लेकर और जितने भी इवेंट्स हुए जिसमें सरकारी पैसा खर्च हुआ, और इस तरह की चीजों को भी ऐसे मॉल्ड करके पेश करने की कोशिश होती है कि जैसे कोई किसी पार्टी का व्यक्तिगत अचीवमेंट या सरकारी पैसे का ही दुरुपयोग है ना, या वैसे अवसरों का जो निष्पक्ष होना चाहिए था वैसे अवसरों का दुरुपयोग करके एक विशेष पार्टी अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। कई पार्टियां भी एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, बीते कई दिनों की बात करें तो जदयू, अकाली दल और अब कल AIADMK ने भी साथ छोड़ दिया है, तो क्या लगता है इस बार 2024 में? नहीं, हम लोग को तो अच्छा ही लगता है कि जनता एकजुट हो रही है, तो मैंने कहा ना कि पसीने छूट रहे हैं, तो उन लोगों के हालात अपेक्षा कुछ और रही होगी, शायद उसके विपरीत जनता के मिजाज हैं,
ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा पर प्रधानमंत्री चेहरा सॉरी प्रधानमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन बहुमत दल का नेता प्रजातांत्रिक भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत दल का चुना हुआ नेता देश का प्रधानमंत्री होता है। तो पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद विभिन्न दलों के लोग जीत के आएंगे जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, और बहुमत के आधार पर अपना नेता चुनेंगे और वही देश का प्रधानमंत्री होगा। ये तो प्रक्रिया है और इसमें कोई मतलब ये हमेशा से समाजवादी कुनवा जब भी एकजुट हुआ है तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से ही नेता का चुनाव हुआ है, तो होता रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, व्यक्तित्व होता है, इन सारी चीज़ों का असर होता है। परिस्थितियां सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक फिरकापरस्त ताकत को यदि सत्ता से बाहर करने के लिए जनता एकजुट हुई है तो पार्टियों को भी एकजुट होना है और नेता भी उसी में उभर कर सामने आए। और अभी एक नहीं कई लोग हैं जो इंडिया में कई कॉम्पिटेंट लोग हैं और सबका मतलब व्यक्तित्व है, तो इसलिए सब लोग की सहमति से ही कुछ होगा। पिता की मौत हो गई है, हम मजदूरी करते हैं, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, ना घर है ना जमीन है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर बिहार सरकार की जमीन पर बरसों से रह रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार का बुलडोजर अब हमारा आसियाना उजाड़ देगा, हमारी मदद कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं है। अपना यह दर्द भरा दास्तां बिहार सरकार की जमीन पर आसियाना बनाकर रह रहे सोनू कुमार ने मीडिया कर्मियों को सुनाया। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ भूमिहीनों को बसाने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर, जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बांका के दौरे पर हैं, लेकिन भागलपुर में उनके प्रशासन 40 ऐसे परिवार के आसियानों को उजाड़ दिया जिसका ना कोई सहारा है ना कोई बसेरा। दरअसल भागलपुर प्रशासन की तरफ से जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के कमरामपुर स्थित बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे 40 ऐसे परिवारों को बेघर कर दिया जिसका कोई सहारा नहीं है। अब वो परिवार आंखों में आंसू लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं और नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हमारी मदद कीजिए, बरसों से हम लोग यहाँ रह रहे थे लेकिन आपके प्रशासन का बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया है। यहाँ पर 70 वर्षों से रहते हैं और अभी घर में पिताजी नहीं है, स्वर्गवास हो गया, उसका मम्मी है, एक छोटा भाई है, और अभी अचानक CO जबरदस्ती यहाँ खाली कराने के लिए आदेश जारी किया है और डोजर लेके भी आया था खाली करवाने के लिए। हम सब अभी कहाँ जाएंगे, रहने के लिए एक धुर भी जमीन नहीं है। गांव का घेराव इसलिए किया है कि हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार खाली करने के लिए बिना CO साहब बिना नोटिस का यहाँ खाली करने के लिए आया था, JCB लेके तोड़ने के लिए। जब नोटिस मांगे तो वो नोटिस नहीं दे रहा था और JCB लगा रहा था। 7 दिन का जो है हम लोग को मोहलत दिया गया है, उसमें 5 दिन खत्म हो चुका है, 2 दिन बचा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और CO जातिवाद करके हटा रहा है, यह बोलता है कि पीछे 6 बीघा जमीन है, आगे हमारे को छेक के रहा है, भागिए नहीं तो हम भगाएंगे, नहीं तो हम तोड़ फोड़ देंगे घर। अब 2 बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे सर, कहीं हमको घर ना है, कहाँ जाएंगे, जगह जमीन ना है, रोड मसमोस है, हम 2 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे, बोलिए आप कैसे हम रहेंगे, कोई कम मने धमने वाला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, बोलिए आ गया यहाँ पर, हमको सुधी ना रहता है, विधवा आदमी है, 50 साल से मेरा ससुर बसा, सास भी बसा और हम बसे, आदमी भी मर गया, अब बोलिए कि ऐसे बात जबरदस्ती आया और हमको भगाता है, कहाँ जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में आज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टर अनंत चंद्र एवं शिव कुमार ने इस रोग के कारण लक्षण और इलाज के बारे में बताया। फेफड़े छाती में अंगों की एक जोड़ी में से एक जो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, श्वास नली अपनी ट्यूबुलर शाखा के माध्यम से फेफड़ों में सांस की हवा का संचालन करती है। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो आप समझ लीजिए
तो आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया है, इसका मुख्य कारण भी बताए गए। इस सेमिनार में डॉक्टर ने कहा कि सांस लेने में कठिनाई, खांसी, आमतौर पर सूखी खांसी, व्यायाम सहनशीलता में कमी, थकान बने रहना, असमान रूप से वजन घटना, अगर ऐसी किसी सिम्टम आपके साथ हो रहा है तो आप जल्द चिकित्सक से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। इस सेमिनार में उचित उपचार कैसे हो इस पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंकित चंद्र, शिव कपूर के अलावे डॉक्टर शांतनु कुमार घोष, डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर डीपी सिंह के अलावे दर्जनों चिकित्सक उपस्थित थे। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, बताएंगे क्या बेटर ट्रीटमेंट कैसे होगा नहीं होगा, और इस अवसर पर हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर लोग तो है भी, मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर भरत भूषण आए हुए हैं और यहाँ के प्रीवियस एक्स HOD डॉक्टर डीपी सिंह वो भी शामिल हो रहे हैं और उनसे चाहे हम लोग भी अपना डिस्कशन करेंगे इस पर और ट्रीटमेंट, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट और बढ़िया से हो सके और क्या क्या कर सकते इसमें। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति भागलपुर द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कोषांग जो गठित किया गया है, विश्वविद्यालय कर्मियों को वेतन सत्यापन किया जा रहा है, राज्य सरकार के पत्र के आधार पर हम लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन उसे दरकिनार करके वेतन को गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके विश्वविद्यालय भेजा जाता है, जिसके विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति के दर्जनों कर्मी आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने बताया कि हम लोगों के वेतन स्केल को काट दिया गया है, अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 7 अक्टूबर को सचिवालय का घेराव करेंगे। पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे और पटना सचिवालय का घेराव होगा। हम लोग का मांग है राज्य सरकार द्वारा कोषांग गठित जो किया है, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मचारियों का वेतन सत्यापित किया जा रहा है, राज्य सरकार के पत्र के आधार पे हम लोग जो वेतन पा रहे हैं उसको दरकिनार करके और वेतन को गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके विश्वविद्यालय को भेज रहे हैं, जिसके विरोध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे हम लोग 2 दिन का हड़ताल पे हैं। सुल्तानगंज के आदर्श मध्य विद्यालय जो हर समय कोई न कोई खबर में सुर्खियों में बने रहता है, वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत टूट टूट कर गिर रहा है, फर्श भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में विद्यालय की छात्र एवं छात्राएं डर डर के पठन पाठन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश पंडित ने बताया कि कुल 536 नामांकित छात्र एवं छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं, कुल कमरों की संख्या 10 है, सभी कमरे जर्जर हो चुके हैं। शिक्षा विभाग को सूचना देने पर 4 कमरों का आवंटन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा 4 कमरों की राशि नहीं दी जा रही और अब सभी कमरा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का शिकार छात्र एवं छात्राएं हो सकते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज, क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ कमरों की संख्या जर्जर है, 10 कमरों में से 4 कमरे किसी तरह काम चलाने लायक है, 6 कमरा बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, छात्रों की संख्या अत्यधिक है, बैठाने में बहुत परेशानी होती है और कभी भी कमरा जो है वह ध्वस्त हो सकता है। पिछले बार जो है DM साहब के आदेशानुसार जो है 2 कमरे को तोड़वा दिया गया और 4 कमरे का बताया गया है का आवंटन आया हुआ है, लेकिन आज तक जो है उसका जो है राशि आई है और कहां से बनेगा इसकी भी जानकारी नहीं है।